हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब एबीपी न्यूज पर न्यूज ग्राम में वक्त हो गया है दिल्ली दंगों पर बहुत बड़े खुलासे का। ये जान लीजिए आपकी दिल्ली दंगों को लेकर आज आपका चैनल एबीपी न्यूज बड़ा खुलासा करने जा रहा है। उस रिपोर्ट जो आपके चैनल एबीपी न्यूज के हाथ लगी है, इससे ये खुलासा हुआ कि जिस पीएफआई नाम के संगठन पर देश भर में साजिश रचने के आरोप लगे हैं, कई जगह दंगे भड़काने के आरोप लगे हैं, आतंकी गतिविधियों में पैसे की खेप पहुंचाने के आरोप लगे हैं, उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छूट हासिल है और ये छूट मिली हुई है साल 2012 से जो अब तक बरकरार। जबकि इस बीच जैसा कि मैंने आपको बताया, कई दंगों में सीधे सीधे पीएफआई की भूमिका सामने निकल कर आई है, उसके लोगों पर आरोप लगे हैं, कईयों की गिरफ्तारी हुई है। फिर आखिरकार ये आयकर की छूट के दायरे में क्यों आता है वो चंदा जो इस तरीके की आतंकी संगठन को दिया जाए, तो ये बड़ा खुलासा दिल्ली दंगे पर। सीधे आपको लिए चलते हैं, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे लगता है ओम प्रकाश को विस्तार से बताना चाहिए कि आखिरकार ये क्या है पूरा का पूरा खेल जो बेपर्दा हो रहा है। ओम प्रकाश, देखिए रोमाना, मैं आपको बता दूं, पीएफआई साल 2010 में बनी थी और साल 2012 में इसने इनकम टैक्स में 12A और 12AA के तहत जो है छूट प्राप्त करने के लिए पंजीकरण कराया था। पीएफआई तब तक एक कट्टरवादी संगठन के तौर पर नहीं थी, लेकिन उसके बाद से पीएफआई का नाम लगातार कट्टरवादी विचार की तरफ चला गया। और अब तक जो मामले सामने आए हैं उसके मुताबिक केरल में इनके लोगों ने एक प्रोफेसर का हाथ काटा, उसके अलावा बेंगलोर के दंगों में इनका नाम आया, दिल्ली के दंगों में इनका नाम आया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि जो दिल्ली दंगों में जो फंडिंग हुई उसे लेकर भी ये कहा गया कि ये फंडिंग पीएफआई के लोगों के द्वारा की गई है। पीएफआई को लेकर इसके बाद जांच शुरू हो गई और इसी जांच के दौरान जो सरकारी दस्तावेज मिले उनसे एक बड़ा खुलासा हुआ कि पीएफआई ने साल 2012 में आयकर विभाग से 12A और 12AA के तहत छूट ली थी। यानी ये धारा है कि इस धारा के तहत कोई भी एनजीओ या संगठन जो इस धारा के तहत पंजीकरण कराता है वो विदेशों से चंदा ले सकता है, सरकार से चंदा ले सकता है, और सबसे अहम बात ये कि उसे जो भी चंदा मिलता है वो 80G के तहत उसे जो चंदा देता है उसे कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होता। यानी पीएफआई साल 2012 से इस बेनिफिट का लगातार लाभ उठा रहा है, जबकि दूसरी तरफ केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय उसे बैन करने के लिए राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांग रहा है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने तो केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट यह कहकर भेज दी थी कि इस संगठन को पूरी तरह से बैन किया जाए, साथ ही बेंगलोर के मंत्री ने भी कहा था कि इसको बैन किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उसमें यही उठ रहा है रोमाना कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि एक तरफ केंद्र सरकार उसे बैन करने पर विचार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार का जो दूसरा मंत्रालय है वो उसे लगातार चंदे पर छूट दे रहा है, जबकि वो चंदे जो उस चंदे के बारे में जिसके बाद जिस संगठन के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसके जरिए। आप देखिए मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में गौरव भाटिया, हमारे साथ शोएब जमई मौजूद हैं जो प्रमुख हैं इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, और मुझे लगता है इस कार्यक्रम में पीएफआई का खुलकर पक्ष लेंगे शोएब जमई। अच्छा, हमारे साथ विक्रम सिंह जी भी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है सबसे पहले गौरव भाटिया को आना चाहिए, और गौरव, ये जो बड़ा खुलासा एबीपी न्यूज कर रहा है, इस खुलासे से जो सवाल उठ रहे हैं जिसका जिक्र ओम प्रकाश तिवारी कर रहे थे कि ऐसा नजर आ रहा है कि सरकार का एक हाथ पीएफआई के गले पर और दूसरे हाथ से सरकार उसी पीएफआई को जूस पिला रही है, साहब क्यों? नहीं देखिए, सरकार का जब 2.5 किलो का हाथ पड़ता है ना, तो ऐसा पड़ता है कि सारे जितने संगठन हैं जो गलत गतिविधियां करते हैं उनको समझ में आ जाता है। रोमाना जी, एक खुलासा एबीपी न्यूज ने किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पीएफआई का जो रोल रहा है उस पर विवेचना चल रही है और पीएफआई के जो सदस्य हैं उन पे कार्रवाई भी हुई है। जहां तक दिल्ली दंगों की बात है, दिल्ली दंगों के में कई प्रकरण थे, चार्जशीट फाइल हुई, लोग अरेस्ट भी हुए हैं। और आपने ये जो उजागर किया है, मैं इस पे तभी पूरी विस्तृत जानकारी देना चाहूंगा जब पूरी जानकारी जो जांच एजेंसियां हैं वो बाहर उसको सार्वजनिक करना चाहे। लेकिन एक बात बिल्कुल है कि अगर इनका रोल संदिग्ध है, अगर ये कानून तोड़ती हैं, तो जो इनकम टैक्स एक्ट के तहत इनको कोई लाभ मिल रहा है या और भी कोई लाभ मिल रहा है, 80G का जो बेनिफिट मिल रहा है चैरिटेबल कंपनी को मिलता है, तो वो नहीं मिलना चाहिए। और ऐसी कार्रवाई केंद्र की सरकार
गौरव भाटिया, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। फिलहाल मुझे लगता है विक्रम सिंह जी को आना चाहिए। विक्रम सिंह जी, पीएफआई के साथ भी कोई अगर मगर की गुंजाइश बचती है क्या सर? क्या आपको हैरानी नहीं होती है कि वो पीएफआई जिसे लेकर हम देखते हैं कि बीजेपी पूरी पार्टी, बीजेपी की सरकारें खुलकर कहती हैं कि साहब यही पीएफआई है जो भारत के अंदर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, क्योंकि चाहे कर्नाटक की बीजेपी की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की बीजेपी की सरकार हो, सब तो खुले तौर पर पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रही है ना सर? और वही बीजेपी जो केंद्र में बैठी हुई है वो आईटी में छूट, आयकर के अंदर पीएफआई को अगर आप चंदा दें तो फिर आपको छूट मिल रही है सर। क्या ये खबर आपको हैरान नहीं करती है विक्रम जी? रोमाना जी, बहुत ज्यादा हैरान कर रही है। ओम प्रकाश तिवारी जी और आपकी रिपोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। और पीएफआई की गतिविधियां आप देखें अत्यंत आपत्तिजनक और राष्ट्र विरोधी है। 120 करोड़ रुपए इन्होंने उगाए और दिल्ली दंगों से लेकर बेंगलुरु दंगे तक इनका नाम आया। जहां से पैसा आया वैसे ही संदिग्ध तरीके से वो गायब हो गया। इसकी जांच हमने सुना था कि हो रही है ईडी के द्वारा। अब जांच अगर इतनी लंबी चलेगी तो उसका संदेश बहुत गलत जाता है। पीएफआई ऐसे संगठन के ऊपर जहां कई डीजी ने ये कहा कि इनको प्रतिबंधित करना चाहिए, जैसे कि सिमी और इंडियन मुजाहिदीन को किया था, इनको भी करना चाहिए। अगर नहीं हो रहा रुमाना जी तो देश पे सवाल तो होंगे ही। एक तरफ आप कहते हैं कि दंगे हो रहे हैं और ये गलत चंदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ इतना उदार दृष्टिकोण की एसीजी की क्यू 12 चल दे की दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं। वही और सर, दोनों बातें एक साथ दोनों बातें हजम नहीं होती हैं। इसीलिए मैंने सवाल पूछा, क्योंकि साफ नजर आ रहा है कि एक हाथ से सरकार जरूर दिखा रही है कि वो गला पकड़े हुए है पीएफआई का, लेकिन ये एबीपी न्यूज का बड़ा खुलासा जो ये दिखा रहा है कि दूसरे हाथ से वही सरकार इसी पीएफआई को जूस पिला रही है, दूध पिला रही है, इसको पाल रही है। मुझे लगता है शोएब जमाई को आना चाहिए और बताना चाहिए, शोएब जमाई साहब ये क्या है, सेटिंग है या फिर आंखों में धूल झोंक रहे हैं आप लोग? नहीं, ये तो बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज का कि उन्होंने इतना बड़ा खुलासा किया। और आज तो कटघरे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भाजपा की पार्टी है, क्योंकि आप देखिए ना कि जिस पीएफआई के ऊपर इतने दंगों के इल्जाम लगे, पिछले 6 सालों से सत्ता में होने के बावजूद भी आपने उस पार्टी पर कोई कार्रवाई भी नहीं की और पार्टी को इनकम टैक्स में छूट भी है। तो ये तो सीधा सीधा सवाल भारतीय जनता पार्टी पर उठता है। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठे हैं उनके, गौरव भाटिया जी, वो उसका सही उत्तर देंगे कि उनकी भाजपा की और पीएफआई में क्या सेटिंग थी वो तो बता दें। आपको जरा सी शर्म नहीं आ रही है, आपकी चोरी पकड़ी गई है। लेकिन सवाल हाँ वाकई में यहाँ पर ये बड़ा होता है कि दंगे और हिंसा कराने के पैसे के लिए छूट क्यों दी जा रही है? आयकर विभाग ये रियायत क्यों दे रहा है पीएफआई को? वो पीएफआई जिसे सरकार खुद कहती है ये और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिमी का एक मुखौटा है। पहली बात तो मुझे इतराज है, मुझे ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, उसके बाद हम फौरन लौट रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे बड़ा खुलासा दिल्ली दंगों पर एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। फौरन लौट रहे हैं।